पब्लिक टीवी आपकी आवाज। गुलाबबाड़ी चुंगी पर हिंदू राष्ट्र नवनिर्माण सेना के जिला कार्यालय पर एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आगामी कार्यक्रम को लेकर चर्चा की गई। साथ ही पुलवामा में शहीद हुए जवानों को लेकर शोक सभा का आयोजन किया गया। सरकार से मांग की गई कि पुलवामा जैसे हताहत हादसा भविष्य में दोबारा ना हो, इसका सरकार द्वारा एक कदम उठाया जाए। बैठक का संचालन राष्ट्रीय महासचिव मनोज सिंह राठौर ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अंकित रस्तोगी ने बताया कि हम मार्च के पहले हफ्ते में जिला अस्पताल मुरादाबाद में ब्लड बैंक कैंप का आयोजन करेंगे। बैठक को सफल बनाने में अभिजीत अग्रवाल, अमरदीप सक्सेना, सचिन सक्सेना, राजदीप गोयल, अमित अग्रवाल, दीपक कश्यप, आकाश भटनागर आदि के साथ और भी लोग मौजूद रहे। मेरा नाम शुभम सक्सेना है। आज हमारा संगठन हिंदू राष्ट्र नवनिर्माण सेना के द्वारा संगठन की जानकारी देने के लिए सभी कार्यकर्ताओं को बुलाकर एक कार्यकर्ता सम्मेलन करा गया है, जिसमें आने वाले 3 मार्च को ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जाएगा जिला अस्पताल में, उसकी जानकारी दी गई है। आगे की रणनीति है, आगे की रणनीति हमारी यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे हिंदू भाइयों को जोड़कर हम संगठन का इस शहर में विस्तार करें और जातिवाद के कीड़े को हम इस हिंदुत्व में से निकाल दें।